तो आप सब देख सकते हैं काफी फूले फूले हमारे नान रोटी बन रहे हैं। तो आप सब देख सकते हैं कितना मुलायम कितना नरम हमारा नान रोटी बनकर तैयार हुआ। आप सब पास से देख लीजिए, काफी मुलायम है। तो इस तरीके से आप लोग अपने घर पे बना सकते हैं और खा सकते हैं। तो तोड़कर भी दिखा देते हैं आप सबको कितना अच्छा बना हुआ है हमारा नान रोटी। सब नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम फोटो देवी है, इंडियन वेज फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की रेसिपी में हमने जो भी सामग्री लिया हुआ है आप सभी को दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हमने 700 ग्राम मैदा लिया हुआ है, मैदे को हमने छलनी से छान कर साफ कर लिया है। और यहाँ पे हमने पिसी हुई चीनी लिया हुआ है 5 चम्मच बड़े वाले चम्मच से। यहाँ पे हमने नमक लिया हुआ है स्वाद के अनुसार, धनिया की हरी पत्ती है, अमूल बटर है। यहाँ पे हमने 4 चम्मच जैतून का तेल लिया हुआ है, 15 ग्राम ईस्ट लिए हुए हैं। और यहाँ पे हमने 1/2 लीटर उबाला हुआ दूध लिया हुआ है, दूध बिल्कुल गर्म है। और यहाँ पे हमने गर्म पानी लिया हुआ है 1/2 लीटर। तो पानी और दूध को हम एक में मिक्स करेंगे। तो दूध में हम 2 चम्मच चीनी डाल देंगे पिसा हुआ। अब इसमें हम 1 चम्मच नमक डालेंगे। तो अब इसमें हम ईस्ट डाल देंगे। तो इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो सभी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब हम मैदे का आटा गूंथकर तैयार करेंगे। तो दूध को हम एक साथ में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो आटे को हमने गूंथ लिया है। तो आप सब देख सकते हैं बिल्कुल मुलायम आटा हमने गूंथा हुआ है इस तरह से। तो अब इसमें हम 2 चम्मच जैतून का तेल डालेंगे। अब इसे हम मिक्स कर देंगे। तो मैदे को हमने गूंथ लिया है। तो आटे को हमने बहुत ही अच्छे से गूंथ लिया है, आप सब देख सकते हैं। तो अब इसे हम एक बाउल में रख देंगे। तो ऊपर से हम थोड़ा सा फिर से तेल लगा देंगे। तो अब इसे हम पन्नी से ढककर रख देंगे 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटे बाद फिर मिलते हैं। इसको एकदम एयर टाइट रखना है ताकि इसमें हवा बाहरी न जाए बिल्कुल। तो 1 घंटे बीत गए हैं, पन्नी को हम हटा देते हैं। तो आप सब देख सकते हैं फूलकर ऊपर आ गया है। तो बहुत ही अच्छा हमारा रेसिपी बनकर तैयार होगा। तो दोस्तों हम आप सबको बता दें आज हम बनाएंगे क्या। आज हम बनाने वाले हैं नान रोटी, जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी होता है। तो आज हम घर पे ही नान रोटी बनाकर दिखाएंगे। तो वीडियो हमारे पास लास्ट तक देखते रहे, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करना और शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इसे हमने लंबा सा फैला दिया है एक ट्रे में। तो इसे हम चाकू से काट लेंगे। तो 12 पीस लोई हमारा तैयार हुआ है नान रोटी बनाने के लिए। तो अब इसे हम चकई बना लेंगे। तो इसी तरह से हम सारी चकई बनाकर रख लेंगे एक ट्रे में। तो सारे लोई को बनाकर हमने तैयार कर लिया है। अब ट्रे को हम एक पन्नी में डाल देंगे ताकि इसमें बाहरी हवा न लगे। अब आग को हम जला लेंगे। आप इस जगह जो है कपड़ा भी डाल सकते हैं सूती। अमूल बटर को हम पन्नी से अलग कर लेंगे। तो जितना सकता है उतना हम काट कर निकालेंगे। तो इसे हमें कटोरी में रख लेंगे क्योंकि इसे हमें पिघलाना है। हम बचे हुए को हम पैक करके दोबारा रख देंगे। तो इसे हम आग पर रख देंगे पिघलने के लिए। तो बटर हमारा पिघल गया है, इसे हम नीचे उतार लेंगे।
आग को हमने जला लिया है, हाथ को हमने धो लिया है, अब कढ़ाई को हम रख देंगे चूल्हे पर। तो यहाँ पे हमने नॉन स्टिक कढ़ाई लिया हुआ है, आप तवे पे भी बना सकते हैं। तो एक जगह हमने निकाल दिया है, ऊपर से इसे हमने बंद कर दिया है ताकि बाहरी हवा ना लगे। तो इसमें हम लगा लेंगे पैथन। तो यहाँ पे हमने मैदे का पैथन रखा हुआ है, सूखा आटा। तो इसे हम इस तरह से बड़ा कर लेंगे घुमा घुमा कर। अब इसे बेलन के सहारे हम बेलेंगे। तो ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, ना ही पतला ना ही मोटा बेलना है। तो नान रोटी को हम कढ़ाई में डाल देंगे। तो इसे हम दूसरी तरफ पलट देंगे। तो अब इसे हम दूसरी तरफ पलट देंगे, ऊपर से ढक्कन लगा देंगे ताकि नान रोटी हमारा खुले खुले बने। नान रोटी को हमने ढक्कन लगा दिया है। तो ढकने का मतलब यह है कि जैसे हम ढकने के बाद जो है चारों तरफ से नान रोटी में आँच लगेगा तो नान रोटी हमारा फूले फूले बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार होगा। तो इसलिए हमने ढक्कन लगाया हुआ है लास्ट में। तो ढक्कन को हटाकर देख लेते हैं कि नान रोटी हमारा कैसा हो रहा है अंदर। तो आप सब देख सकते हैं कि नान रोटी हमारा फूलकर बहुत ही अच्छे से हो गया है। तो इसे हम एक प्लेट में रख देंगे। तो ऊपर से हम बटर लगा देंगे। तो आप सब देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी मुलायम हमारा नान रोटी बन रहा है। तो इस तरीके से आप लोग घर पे बना सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह हम सारा नान रोटी बनाकर रखेंगे। तो काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी फूले फूले हमारे नान रोटी बन रहे हैं। तो इसी तरह हमें सारा नान रोटी बना लेना है। ऊपर से हम धनिया की पत्ती डाल देंगे। तो आप सब देख सकते हैं काफ़ी फूले फूले हमारे नान रोटी बन रहे हैं। तो इसे हम उस तरफ भी थोड़ा सा सेक देंगे। तो आप सब देख सकते हैं कितना मुलायम कितना नरम हमारा नान रोटी बनकर तैयार हुआ। आप सब पास से देख लीजिए, काफ़ी मुलायम है। तो इस तरीके से आप लोग अपने घर पे बना सकते हैं और खा सकते हैं। तो तोड़कर भी दिखा देते हैं आप सबको कितना अच्छा बना हुआ है हमारा नान रोटी। सब पास से दिख लीजिए, देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट काफ़ी मुलायम हमारा नान रोटी बनकर तैयार हो गया है। नान रोटी हमारा बनकर तैयार है दोस्तों। आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।